हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सेशन कमीशन एसएससी की ओर से इंपॉर्टेंट नोटिस अपडेट आ गया है। और यह जो अपडेट हुआ, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द विथहेल्ड कैंडिडेट्स। तो दोस्तों, यह जो है एसएससी की ओर से नया नोटिस आया, और यह जो है आपका जो दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 वाला था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें से विथहेल्ड कैंडिडेट्स यानी कि कुछ चीज़ों पर रोक लगाया गया था कुछ कैंडिडेट्स के ऊपर में, तो उसी का जो कॉन्स्टेबल एग्जाम हुआ था तो इसी का रिजल्ट को जारी कर दिया था। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो में, ताकि उनको भी अपडेट मिलती रहे इसके बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020 ऑन 15/12/21 वेर इन 5,690 कैंडिडेट्स वर फाइनली सेलेक्टेड। एज पर फारा 7 ऑफ द सेट रिजल्ट, द फाइनल रिजल्ट ऑफ 625 कैंडिडेट्स वर केप्ट विथ हेल्ड फॉर फर्दर स्क्रूटनी बाय द कमीशन ऑन गोइंग टू सस्पेक्टेड यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। तो यहाँ पे जो है इसका जो डिक्लेयर किया गया रिजल्ट वो 15/12/2021 यानी कि 15 दिसंबर 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, जिसमें से 5,690 कैंडिडेट्स को पूरी तरीके से सेलेक्ट कर दिया गया उसके बाद में यहाँ पर दिया गया पारा 7 के अनुसार मेरे सेट रिजल्ट में कहा गया था कि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें 625 कैंडिडेट्स का जो है विथहेल्ड फॉर फर्दर स्क्रूटनी। तो यहाँ पे जो है 625 कैंडिडेट्स का जो था उस पर कुछ रोक लगा दिया गया था स्क्रूटनी के लिए, तो कमीशन ऑन गोइंग टू सस्पेक्टेड यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें खराब हुई थी, कुछ चीज़ें गलत हुई थी, इसके कारण से 625 कैंडिडेट्स का जो था उसको फर्दर स्क्रूटनी के लिए रोक लगा दिया गया था, उसका जो फाइनल रिजल्ट के लिए रोक लगा दिया गया था, यह भी कहा गया है। उसके बाद है यहाँ पे आफ्टर ड्यू स्क्रूटनी ऑफ दिस 625 विथहेल्ड केसेज द कैंडिडेट ऑफ 135 कैंडिडेट्स हैज़ बीन प्रोविजनली क्लियर। तो यहाँ पे जो रोक लगाया गया था, जो विथहेल्ड कर दिया गया था 625 केस में, उसमें से 135 कैंडिडेट्स जो है उसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है, यानी कि वो अब सिलेक्ट हो गए हैं। उनपे जो रोक लगाया गया था, जो स्क्रूटनी हुआ है उसमें, वो सब सारी चीज़ें को ठीक पाया गया है। इसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ सेट 135 कैंडिडेट्स 125 बिलोंग टू सिलेक्ट लिस्ट एंड द रिमेनिंग 10 कैंडिडेट्स बिलोंग टू द रिजर्व पैनल। तो यहाँ पे जो है 135 कैंडिडेट्स 625 में से 135 कैंडिडेट्स को जो है डिक्लेयर कर दिया गया था, तो इसी 135 कैंडिडेट्स में से 125 कैंडिडेट्स जो है उनको फाइनली सिलेक्ट कर दिया गया है, तो इनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इसमें से जो 135 में जो 10 कैंडिडेट्स बचे हैं उनको अब रिजर्व पैनल में रख दिया गया है। तो हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ 125 कैंडिडेट्स। तो इसके बाद में जो 135 में से 125 का जो है सिलेक्ट कर दिया गया था, इसको जो है पूरी तरीके से डिसाइड करने के बाद में डिक्लेयर कर दिया गया है कमीशन की ओर से। तो ये जो है 125 कैंडिडेट्स वो पूरी तरीके से अब सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद है आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेचर ऑफ 490 कैंडिडेट्स इज स्टिल अंडर सस्पिशन एंड हेंस द मैटर हैज़ बीन रिफर्ड टू दिल्ली पुलिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और इसमें से जो है 625 में से जितने भी कैंडिडेट्स पास हो गए, उसके बाद में जो रिमेनिंग बचे 490, उसमें से ये अभी भी कुछ सस्पिशन में है ये, और उसको जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया है। ये जो मैटर है उसको रिफर कर दिया गया है दिल्ली पुलिस के पास, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखते हैं द रेस्ट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रिजल्ट राइट अपडेटेड 15/12/2021 सेल रिमेन अनचेंज। जो रिजल्ट जारी किया गया था 15 दिसंबर 2022 को, जो भी रिजल्ट है वो उस प्रकार से ही रहेगा जिस प्रकार से हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो है 625 में से जो है वो 490 और 135 जो कैंडिडेट्स थे उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा अपडेट है, तो यही अपडेट आया हुआ है अभी। तो ये बहुत ही बड़ा नोटिस है, अपडेट है कि जो भी विथहेल्ड कैंडिडेट्स थे उनका जो रिजल्ट अब सिलेक्ट हो गया है वो, और साथ ही साथ में जो अभी भी पेंडिंग में है जो कि दिल्ली पुलिस के पास भेजा गया है वो भी, इसके बारे में जानकारी को देखते रहेंगे। हो सकता है उनका भी क्लियर हो जाए तो फिर वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यही एक नया और नोटिस अपडेट आया हुआ है।